मानो। अरे कहाँ हो यार, देर हो रही है ऑफिस के लिए। ये लीजिए। ओए क्या क्या है, सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा तो प्यार से दो। आपको भी शर्म नहीं आती दीदी बैठी हुई वहाँ पर? ओए शर्माना क्या है, बीवी हो मेरी यार। अब गिर जाते तो ये क्या हो रहा है बहू और ससुर के बीच? हाँ राधा बुआ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी फेंट होने वाले थे, मैंने उन्हें पकड़ लिया नहीं तो गिर जाते। आलोक ठीक तो हो? नहीं नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तो वो सुहाना तो तुम कहीं जा रही थी ना? या माँ, बड़ी माँ, मैं डैड और संजू के साथ लंच पर जा रही हूँ। मैं जाऊँ? जाओ जाओ, इतनी अच्छी बात है, जाओ। बाय माँ, बाय पापा, जाओ। बाय बड़ी माँ, बाय राधा बुआ, पापा को खिलाइए अच्छे से, पापा टेक केयर, बाय बाय। और करिए रोमांस, अभी ना अपनी बहू के सामने ना मजाक बन जाता आपका। तो क्या हुआ? हाँ बहू गई ना अब। अरे क्या क्या क्या, अरे क्या कर रहे हैं? गिर जाते हो सब, क्या कर रहे हैं आप, गिर जाते थे। ओहो क्या हो रहा है, आलोक ठीक तो हो ना? नहीं नहीं वो नाश्ता नहीं किया ना तो चक्कर से आ रहे हैं। नाश्ता खिला दे रानो अच्छे से। हाँ अभी रास्ते में खोल के खा लूंगा। हाँ वो देर हो रही थी ना तो बांध दिया इसीलिए। चाची आप हंसिए मत, चाची को संभालिए। मैं संभाली तो ली हूँ। माँ रानी कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है मुझे। लो अरे गाजियाबाद नहीं गई, बुआ जी से मिलने, तुम्हें बोल कर तो गई थी। यार फंस गया मैं तो। ऐसा क्या हो गया? अरे मैं भूल गया कि रानी गाजियाबाद गई हुई है, मैंने बॉस को डिनर पे बुला लिया है। बॉस को? हाँ है? बॉस को डिनर पे? एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले कुछ दिनों से मेरी ऑफिस में छटनी चल रही थी, मेरी जॉब भी रिव्यू में थी, ऐसे में मेरे बॉस ने मेरा अच्छा साथ दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें डिनर पे बुला के। हिंदर तेरी नौकरी जाने वाली थी और तूने हमें बताया तक नहीं। अब मैं समझी कि रजनी इतने दिनों से इतनी परेशान क्यों थी, बात बात में वो नाराज हो जाती थी इसीलिए ना। इतनी बड़ी बात हम सब से छुपा के रखी। अरे अरे पर सब कुछ अब ठीक है। सब कुछ ठीक हो गया है? पागल हो गया तू? नौकरी जा रही थी तेरी और तू जोकर बन के घर में सब लोगों को हंसा रहा था। यार तू मेरे को तो बता सकता था, मैं देख रहा हूं इस घर में अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। इलेश, इशान, ये सब अब बड़े हो गए हैं भाभी, अब इन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है भाभी। चाचू अब खाओ का अच्छे खासे सीन को इमोशनल बना रहे हैं। आइंदा कुछ होगा तो बता दिया करूंगा। इंदर सच बता, अब सब कुछ ठीक तो है? हाँ माँ अब सब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मैं इस बॉस का क्या करूं? उन्हें घर बुलाओ, हम सब हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। कितने लोग आ रहे हैं? बस दो ही लोग आने वाले हैं, बॉस और उनकी वाइफ। जरूर बुलाना उन्हें, देखना कोई कमी नहीं रहेगी उनकी आवभगत में। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ और मेरे साथ चल, तेरी रास्ते में क्लास लेता हूँ मैं। सही कह रहे हैं भैया वैसे, अरे बाप की तरह पाला है, इनकी तकलीफ जायज है।
Wow. You've done a great job. Thank you, sir. Sir, वैसे मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे क्लाइंट्स को ये प्रोजेक्ट प्रपोजल पसंद आ गया तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट एक हफ्ते के अंदर शुरू कर देना चाहिए. You don't worry about the clients, मैं उन्हें संभाल दूंगा. तुम बस मिस्टर मिश्रा को बुलाओ, सारी बातें अभी डिस्कस कर लेते हैं. Sure, sir. I must tell you, Mr. Ishwar, कि I'm really very impressed with you. कश्यप्स में जरूर कुछ तो बात है. Sir, if you don't mind, may I ask कि आप कश्यप्स को इतना क्यों पसंद करते हैं? क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी बेटी कश्यप है, मेरा मतलब मेरे दामाद कश्यप है, मेरे दामाद के फादर कश्यप है, मेरे दामाद के फादर कश्यप है. मेरे कहने का मतलब है कि मेरी बेटी के ससुराल वाले कश्यप है, यहीं पुरानी दिल्ली में रहते हैं. हेलो मिस्टर वाजपेयी. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. वेलकम वेलकम. आज मैं और दीदी हम लंच पे जा रहे हैं. वाओ दैट्स गुड. या तो हमने सोचा हम आपको भी चांस दे देते. ओह आई एम सो हैप्पी. मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. चले. मैंने आपको पहले देखा है ना. आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना भूल गया. ये मेरी बेटी है सुहाना कश्यप, छोटी बेटी संजना वाजपेयी, और ये हमारे नए प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर कश्यप. जी हाँ, आपने मेरी जान बचाई थी. बट आप तो उस दिन सुसाइड करने वाले थे ना. Were you saying suicide? Suicide? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो इतने टैलेंटेड हो. मैं सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस उस दिन शायद जिंदगी से कुछ ज्यादा ही हार चुका था. नो नो नो, लाइफ में कुछ भी हो जाए, यू शुड नेवर गिव अप. क्यों डैड? एब्सोल्युटली. ओके, अब हम चले. अंकल इज फाइन. ओके, एक मिनट प्लीज. रुको रुको, एक्चुअली मैं भूल ही गया था, कश्यप के साथ और मिश्रा के साथ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग डिस्कस करनी है, इसलिए तुम दोनों कैरी ऑन, मैं फिर कभी. दिस इज नॉट फेयर डैड, मैंने इतना रिक्वेस्ट करके दीदी को बुलाया और अब आप. सर एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं कुछ कह सकता हूँ? सर आप उनके साथ लंच के लिए क्यों नहीं चले जाते? मतलब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिश्रा जी और मैं तैयार कर लेंगे. आफ्टर ऑल कामकाज तो होता ही रहेगा ना, फैमिली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो और कुछ नहीं है सर. सी सी, आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते होंगे, है ना? नहीं कर पाया, शायद इसीलिए उन्हें खो चुका हूं. Excuse me. बड़ी माँ, पनीर कट गया, अब क्या करना है? अब बाहर से जाके जूस लेकर आ, फ्रिज में रख दे, और हाँ मेहमानों वाले बर्तन अच्छे से साफ करके रख देना. मेहमानों वाले बर्तन? अच्छा, तो अभी तक इस घर में मेहमानों वाले बर्तन अलग से संजो के रखे जाते हैं. और नहीं तो क्या बनना थी. राधा बुआ, ये अच्छा लग रहा है ना, कितने प्यारे फूल है. बस बहुत हो गया, सुबह से शाम तक एक ही गुलदस्ता सजा है अभी तक. हाय हाय राधा, मैं सोच रही हूँ ये पर्दे ना बदल देते हैं, पुराने ऐसे लग रहे हैं ना. नहीं, पर्दे तो ठीक है, लेकिन ये कुशन कवर. अरे भाई आलोक लेकर आए हैं सेल से. और फिर इंदर का बॉस आ रहा है, थोड़ा तो चमकना चाहिए ना घर, है ना. लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये पर्दे जो है ना पुराने हो गए भाई. पर्दों से ज्यादा ना इस घर की ईंट पुरानी हो गई है, उसे भी बदलवा दो. हाँ हाँ, हंसो हंसो, मुझे यहाँ किचन में फंसा के खूब हंसी मजाक किया जा रहा है. किचन में फंसा के का क्या मतलब है? हैं? अरे तेरे भाई का बॉस आ रहा है घर में, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? माँ का इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया. अबे क्या, ओए
मेरे वाले कुशन। लो भैया और चाचू भी आ गए। है ना चमकदार। अरे हैं ही चमकीले। मतलब चमकदार। हाँ भाई, ये सब आपकी बेटी इशिका दी ग्रेट का कमाल है। अरे वाह इशिका, ये सब तूने कमाल किया है। अरे यार आज ना मैं तुझे एक इनाम दूंगा। सच्ची? हाँ हाँ पहली बार है। ये ले। कितने अच्छे हो ना। अरे ये ले। थक, आप भी ना बिल्कुल पापा की तरह कंजूस होते जा रहे हो। क्या वो वापस आ गया है माँ। क्या हुआ माँ? कौन? रौनक? रौनक? रौनक को वापस आए तो काफी दिन हो गए ना। हाँ पर मैं उसे कबूल नहीं कर पा रही थी ना, माफ नहीं कर पा रही थी ना मैं उसे। पर अब सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ भुला दिया माँ, माफ कर दिया मैंने उसे। कर देने से कितनी खुशी, दिल में कितना सुकून महसूस होता है ना। एक सेकंड बॉस का फोन है। वो पहुंच तो नहीं गए? एक सेकंड हाँ जी सर। हाँ चांदनी चौक, आप गुरुद्वारे से लेफ्ट ले लीजिए, सीधा आइए फिर फर्स्ट राइट। हाँ बहुत फेमस मकान है सर, अब तो आप किसी से खुशी के बारे में पूछेंगे तो भी घर छोड़ जाएगा। जी हाँ जी आप आ जाइए। जी सर आ रहे ना। आ रहे। चलो भाई सब तैयारी हो गई ना। हाँ हाँ एकदम। संभाल के कहाँ ले आए तुम? कौन सी जगह है ये? सॉरी अब मैं जानता हूँ तुम मना कर रही थी लेकिन एक मिनट, किसी को पूछते हैं एक मिनट जी, एक्सक्यूज मी, आपको पता है कश्यप हाउस कहाँ है? खुशी का घर पूछिए ना। हाँ खुशी का घर कहाँ है? कौन है खुशी? मैं नहीं जानता खुशी को, पता नहीं ये कश्यप हाउस कैसे ढूंढेंगे। आपको खुशी से क्या काम है? आपको पता है खुशी का घर? तो बताइए ना खुशी का घर कहाँ है? इतनी देर से इस तंग गली में हम खुशी का घर ढूंढ रहे हैं, प्लीज हेल्प अस। ये टॉयज किस लिए? खुशी के लिए। ये लोग खुशी को लेने आए हैं, ये बच्ची हमारी है। बेटा शांत, बच्चे पे असली हक इन्हीं लोगों का है। मैम जी ये तो खुशी के पेरेंट्स लगते हैं, खुशी को लेने आए हैं। ओ नो 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 नो। अब आपको भी पता नहीं है? नहीं 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 पता है ना? ऑफ कोर्स पता है, मैं बताती हूँ आपको। एक तो ना आप रॉन्ग लेन में ही आ गए हैं, ये लेन ही गलत है, आपको इस लेन में होना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ से स्ट्रेट जाइए, स्ट्रेट जाएंगे तो पहले दो लेफ्ट टर्न्स आप मत लीजिएगा, और जाएंगे तो एक मैम आपको वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। अच्छा और स्ट्रेट जाइए, फिर एक राइट आएगा वो मत लीजिएगा, जो यू टर्न आएगा ना वो यू टर्न ले ले। लेकिन वहां पे तो गुरुद्वारा आ जाता है। एग्जैक्टली गुरुद्वारा जाइए,
प्रे कीजिए। आपको पता है प्रेयर कितनी इम्पोर्टेंट होती है वेलबींग के लिए। अब तुम रास्ता बताओगी? ऑफ कोर्स। प्रे करने के बाद आप वो यू टर्न मत लीजिएगा, आप और स्ट्रेट जाइएगा, राइट टर्न आएगा, राइट लेके लेफ्ट लेके फिर स्ट्रेट जाइएगा, फिर वही है खुशी का घर, वही वही है खुशी का। थैंक यू। पहला राइट, राइट लेके राइट लेना, फिर जाके लेफ्ट लेना और वहीं पे होगा खुशी का घर। चलो चलो। अरे जल्दी करो ना भाई, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। चलो भाई मैं तो चलती हूँ, मुझे ना पापा के रिपोर्ट लेने क्लिनिक भी जाना है। अरे इतनी जल्दी क्यों? अरे जाने दो रानो, उसे क्लिनिक बंद हो जाएगा ना। हाँ। वैसे इतनी देर हो गई है ना। पन्ना अच्छे अच्छे डिशेस बनाए ना, बॉस के आगे मेरी नाक तो नहीं कटा देगी? अरे ऐसे ऐसे डिशेस बनाए ना, खाते तुम्हारा बॉस खुश हो जाएगा। अरे वाह। अरे यार तेरा बॉस कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? हाँ चाचू, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो गुरुद्वारे तक तो पहुँच चुके थे, और इस बात को तो काफी देर हो गई है। और गुरुद्वारे से अपना घर तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। अरे किसी दूसरी गली में तो नहीं घुस गए वो? बाप रे, चावड़ी बाजार की गलियां, अरे यहीं कहीं भटक रहे होंगे, फोन तो करो। हाँ अब तो सारी तैयारी भी हो चुकी है, फोन लगा, चल हाँ। देख कहाँ पहुंच गए, देख लगा तो लगा तो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, दादा बुआ, पापा, ओ छोटे भाभी, सब यहीं पर हैं, आप आगे बोलिए। आप लोगों को पता है मैंने आज क्या किया? क्या? खुशी के पेरेंट्स आए थे। क्या? हमारे घर के बाहर, और उनके पास हमारे घर का एड्रेस भी था। क्या? और मैंने उन्हें अपनी डायरेक्शंस के साथ इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर लिया कि खुशी की शैडो तक भी वो लोग पहुंच नहीं पाएंगे। भाभी आपने ये बहुत अच्छा किया। अरे क्या अच्छा किया, आज नहीं तो कल वो लोग तो आएंगे ही ना। पापा फिर मैं खुशी को लेके भाग जाऊंगी डैड के पास, आप लोग बोल दीजिएगा कि खुशी यहाँ नहीं रहती। सिंपल, वंडरफुल आइडिया सुहाना, ये सही है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। माँ बाय। बाय पन्ना। बाय बाय कर जाना। हाँ। सुहाना अब ये तो बताओ तुमने उन्हें भेज कहाँ दिया? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें इतने सारे डायरेक्शंस दिए कि वो अपने आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने उनसे कहा कि आप इस गली से सीधा जाइए और राइट ले लीजिए और सीधा जाके 3 टर्न छोड़ दीजिए गुरुद्वारे के पास। How do I know that? मुझे नहीं पता। और मैंने कहा फिर उसके आगे जाइए, जो 3rd red light आएगी उससे 4th left वाला नहीं लेना, 5th left लेना। अरे तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और मैंने उनसे कहा कि उसके आगे जाके 2nd left ले लीजिए, फिर वहाँ से राइट टर्न, फिर स्ट्रेट, और फिर 2 किलोमीटर के बाद एक घर आएगा, वही है। तुमने उन्हें वहां भेज दिया? अरे वहां पे तो सुलभ शौचालय है। जी जी टॉयलेट। हां जी जी, मेरा फोन बज रहा है। बॉस का, बॉस का। हेलो, हां जी सर, आप कहां पहुंचे? ये कहां पहुंचा दिया तुमने, यहां पे तो सुलभ शौचालय है। जी सर आप वहां कहां पहुंच गए, आपको तो छोटू स्वीट्स वाली गली में आना था ना। अरे छोटू स्वीट्स वाली गली में ही पहुंचे थे, वहां किसी लड़की ने हमें यहां भेज दिया है। क्या? नहीं, क्या क्या करना बंद करो, मुझे नहीं आना तुम्हारे घर, हार में गया। अरे सर सर सर, हेलो सर, क्या क्या हुआ? जिसे खुशी के माँ बाप समझ के सुहाना ने सुलभ शौचालय पहुंचा दिया, वो कोई और नहीं मेरा बॉस था। क्या? ये तो पापा ही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।